समेत एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल आगरा बर्ड फ्लावर पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो होने वाला है, इसका टॉपिक है बजीज बात को लेके, यानी कि हमें बजीज को निलहाना कैसे है। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेन पॉइंट्स में कि हमें बजीज को कैसे बात देना होता है। सेकंड टॉपिक है कि कितने समय बाद हमें बजीज को बात देना होता है, महीने में कितनी बार देना होता है, हम किस किस प्रकार की चीज़ों का यूज़ करके अपने बर्ड्स को, अपने बजीज को बात करा सकते हैं। चौथा टॉपिक है फ्रेंड्स कि बजीज को बात कराने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें, और पांचवा टॉपिक है कि आखिर बात हम कराएं तो बजीज को बात कराना यानी कि निलाना क्यों ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है, जैसा कि आपने देखा होगा, ऐसे में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो गर्मियों के सीज़न में जो बर्ड्स हैं उनके बीमार होने का ख़तरा बढ़ जाता है, बर्ड्स को भी बहुत गर्मी लगती है। आपने देखा होगा, गर्मी जब लगती है बर्ड्स को, वो अपने पर खोलने लग जाता है बार बार, वो अपना मुँह खोल के सांस ले रहा होता है। तो वो एक तरीके के लक्षण होते हैं कि हाँ, बर्ड्स को गर्मी लग रही है। अगर बर्ड्स को गर्मी लग जाती है तो उसमें कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं बर्ड्स को आपके, जैसे कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो खतरा रहता है वो हीट स्ट्रोक पड़ने का होता है, जिसमें बर्ड गर्मी लगने के कारण मर जाता है। दूसरा, आपके बर्ड्स को लूज मोशन हो सकते हैं। तीसरा, उनके पर झड़ना शुरू हो सकते हैं। और ज़्यादातर होता है, अगर आप अपने बर्ड्स को समय पर बात नहीं देते हैं, प्रॉपर बात नहीं देते हैं, तो उनके शरीर में छोटे छोटे बैक्टीरिया जिन्हें जू कहते हैं, जू लग जाते हैं, और जो अंदर ही अंदर उनका खून चूसते रहते हैं, जिसके कारण वो बीमार हो जाते हैं। और समय पर अगर उनका सही से ध्यान ना रखा जाए तो वो मर भी सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हमें अपने बजीज बर्ड्स को कब और कितने समय बाद जो है बात देना चाहिए, यानी कि उन्हें निलहाना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि गर्मी के दिनों में, जब बहुत गर्मी पड़ रही है उस समय में, समर्स में, आप एक महीने में कम से कम आप अपने बर्ड्स को दो बार आपको जो है बात देना होता है। अब दो बार जो बात देना है, ये आपको बात जो देना होता है वो विनेगर से, या फिर आप जो है यहाँ डिटॉल का यूज़ कर सकते हैं। आप एक दो जो है ड्रॉप डाल सकते हैं 1 लीटर पानी में और उससे बात दे सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट वे होता है, वो होता है नीम लीव्स का, यानी आपने नीम के पत्तियाँ लेनी हैं, उसको गर्म पानी में पहले धोना है नॉर्मल पानी से, फिर गर्म पानी में उसको बॉईल कर लेना है, फिर नीम की पत्तियों का जो पानी है उसे छान लेना है, और छानने के बाद में जो नीम वाटर है उससे आप उन्हें बात दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे बेस्ट होता है आपका कि अगर आपके पास विनेगर है, आप एक जो है जो बोतल होती है विनेगर बोतल, उसी का एक ढक्कन 1 लीटर पानी में मिला लीजिएगा, उससे भी बात दे सकते हैं। अगर आप डिटॉल से दे रहे हैं तो 2 ड्रॉप मिला लीजिए। अगर नीम वाटर है तो मान के चलिएगा 8 से 10 पत्ती आपने ले ली, जो पूरी पूरी पत्तियां होती है डंडियां, और आपने डाल दी 1 लीटर पानी में बॉईल करके, आप उससे भी बात दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको जो है, जो आपको विनेगर, डिटॉल या नीम की जो पत्तियाँ यूज़ करके देना है, ये आपको महीने में दो बार, जिससे कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु या कोई बैक्टीरिया या जू हैं वो ना लग पाए, एक महीने में दो बार देना होता है। किस किस प्रकार के हम बात दे सकते हैं, ये मैंने इसमें आपको क्लियर किया है। तो दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कितनी बार देना होता है। एक महीने में दो बार विनेगर, डिटॉल और नीम वाला। और अगर हमें जो बात देना है गर्मी से बचने के लिए, यानी हमें एक हफ्ते में कम से कम दो मर्तबा उन्हें बात देना होता है, निलाना होता है, एक हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर अपने बर्ड्स को निला सकते हैं। अब बात आती है कि भैया निलाएं कैसे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, दो तरीके से आप उन्हें बात दे सकते हैं। आपको यहाँ पर चाहिए होगा, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है तो एक पॉट लीजिए, एक बर्तन लीजिए जिसकी जो हाइट है वो कम से कम मान के चलिएगा 2 इंची हाइट होनी चाहिए, जिसमें आपको 1 इंची से 1.5 इंची से ज़्यादा ना हो पानी जो है भर देना है। पानी भर देंगे तो बर्ड्स के केज में रख देना है, ठीक है, या कॉलोनी में रख देना है, और बर्ड्स अपने आप अपनी इच्छा के अनुसार उसमें आएंगे। बर्तन थोड़ा चौड़ा होना चाहिए तो वो आएंगे और अपने आप ही उसमें नहाना शुरू करेंगे, और आप देखेंगे बर्ड्स जो है अपने आप ही नहा रहे हैं। ताज़ा पानी रख देना है आपको, सुबह रख दीजिएगा और शाम को उठा दीजिएगा। दूसरा सबसे बेस्ट और कारगर तरीका होता है कि आपको लेना है एक स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल में जो रेशियो मैंने बताया, जिसका भी आप बात दे रहे हैं, विनेगर, डिटॉल या नीम का,
वो आपने पानी भर लेना है। नॉर्मल पानी आपको लेना है, ना गर्म पानी लेना है ना ज़्यादा ठंडा पानी लेना है, नॉर्मल पानी लेना है आपको और उससे स्प्रे कर देना है, जिसे हम स्प्रिंकल बात बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से जब अपने बर्ड्स को नहलाएंगे तो काफ़ी तरोताज़ा फील करेंगे, काफ़ी बीमारियों से बचे रहेंगे और साथ ही काफ़ी सुंदर भी लगेंगे। तो इस प्रकार उनमें कोई बीमारी भी नहीं आएगी और काफ़ी अच्छे और हेल्दी बने रहेंगे आपके बर्ड्स। साथ ही हमें अगर हीट स्ट्रोक से बचाना होता है तो काफ़ी तरीके की जो उनकी डाइट्स हैं उनमें हमें परिवर्तन लाना होता है, तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आगे आपके लिए जो है लेके आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि हीट स्ट्रोक से गर्मी से बचाने के लिए हमें क्या फूड यूज़ करने चाहिए समर में, वो उसमें हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, एक बार फिर से दोबारा मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।